आज हम जा रहे हैं खलनायक पिक्चर की, जो पिक्चर खलनायक जो पिक्चर शूटिंग चली थी वो जो रामनगर में है। ये रामनगर, ये बेंगलोर मैसूर का हाईवे। अब हम जा रहे हैं कनकपुरा रोड, ये रोड है, ये जो रोड है वो कनकपुर को जाता है। यहाँ से हम शूटिंग के लिए जा रहे हैं। संजय दा जी हैं, वो भागते हैं ना, वो यही रोड है। ये जब ये सिंगल ब्रिज है, तब सिंगल पटा ब्रिज था, आज डबल ब्रिज हो गया है। सिंगल पटा है जब क्या होता तो पटा। उधर 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 ये सेफ्टी के लिए डाला है, हाईवे है ना, इसीलिए सेफ्टी जरूरी है। तो देखो भाई, जिधर से इतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं साइड से दिखाता हूँ। तो देखिए यही है, इधर का जिधर संजय दत्त ने भागा था, इधर राइट साइड का जो है पट्टा है वही है जिसने जिस पे संजय दत्त भागे थे। देखिए गाइस, यहाँ पे सिंगल रोड है और वहाँ पे आपको टैंक दिख रहा है, वहाँ पे आपको पहाड़ी दिख रहा है, वो सभी शोले फिल्म की शूटिंग चली है इधर इधर सभी। ये देखिए, ये इधर झाड़ आ गया है। यहाँ पे जो आपको बंडा दिख रहा है ना, वहाँ पे पहाड़ वहाँ पे खलनायक की जो सॉन्ग है ना, वहाँ पे शूट हुई थी। अब हम आपको दिखाए हैं, अब हम दिखाए जा रहे हैं। वो कौन सा पिक्चर है जो हमने गाना देखा था? विक्रांता, विक्रांता का जो विक्रांता में जो दिखाया जाता है वो सीन देखो, यही पत्थर है वो। उधर हम जाएंगे अभी, मतलब अभी हम खलनायक का कर रहे हैं तो पहले खलनायक पूरा कर देते हैं। खलनायक का जो सीन है वो पहले क्लोज कर देते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी, ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो वो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे जो खलनायक की शूटिंग चली है, शूटिंग मतलब वो पहाड़ के ऊपर सीन्स निकाला है वो पहले घोड़ा गाड़ी। एक मिनट, इधर का जो आप इधर झाड़ियाँ दिख रही हैं, गाड़ी रोको। इधर पे जो आपको झाड़ियाँ दिख रही है ये आम की झाड़ियाँ हैं। आम की झाड़ियाँ में मतलब वो जो भाई भाई लड़ते हैं ना, बाइक चलते हैं जागे श्रॉफ और संजय दत्त की, तो ये वही प्लेस है। लेकिन इधर पे बहुत तो बदल गया है, क्या बोलते हैं, तो बदल बहुत चेंज हो गया है। देखो ये सीन, ये वही की सीन है। हाँ तो देखिए ये सीन, ये वो जो गाना है ना, जो पालकी में होके सवार में चली, वो तो वही कुछ गाना था ना। हाँ, तो वो गाने का ये पत्थर है, हम यहीं पे जा रहे हैं। इधर बारिश भी आ गया है तो वीडियो को हम थोड़ी इधर रोक देते हैं। तो ऐसे ही वीडियो में मने नहीं है और पूरा वीडियो देखिए गाइस, ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो और लाते रहेंगे। देखिए गाइस, उधर बारिश की वजह से वो जो पत्थर है ना, वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, वो बारिश की वजह से है। आ गया गाइस, बारिश आ गया। कौन सा भाई? तो गाइस आज हम इस घर में जा रहे हैं, बारिश आ गया है, फुल बारिश आ गया, बारिश आ गया। इधर खड़े हैं भाई, हाँ।
हाँ तो गाइस बारिश आ गया था, हम इस घर में रुके थे, झाड़ियों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हम इस घर में रुके थे बारिश की वजह से, तो हम अब जा रहे हैं पहाड़ी के पास। यहाँ पे यही रोड है, वो संजय दत्त माधुरी जो घोड़े गाड़ी में जाते हैं, टांगा ना घोड़ा गाड़ी में जाते हैं, टांगा कुछ भी बोल सकते हैं भाई, जो घोड़ा भाई यहाँ पे जो एक रूम होगा वो अभी बहुत पुराना होगा, मैं आपको रूम के पास जाके दिखाता हूँ। जूम करता हूँ गाइस, कैमरा क्लैरिटी मेरे पास उतना ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो देखिए यही रूम है। हाँ देखिए भाई, अगर उस गाने में आप गौर से देखेंगे तो ये रूम भी दिखेगी आपको, तो रूम के भाई कल तमारा से। तो भाई यही जो पहाड़ है वो इस गाने में पालकी में होके सवार चली, वो गाने में जो पहला सीन है वो यही इसी पत्थर के पास यही रोड पे घोड़े गाड़ी में वो हीरो हीरोइन जाते हैं। देखिए भाई तो गए पुलिस से देखिए, पुलिस वाला यहीं पे खड़ा था। हाँ यही इसी जगह पे वो जो पुलिस खड़ता है जो टांगा जानते हैं पक। अभी यहाँ पे स्कूल है, अभी स्कूल हो गया है, इधर स्कूल है, बहुत यहाँ पे रोड बन गया है। तो भाई वीडियो में नए हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरी सीन आगे बढ़ो, तो अब हम जा रहे हैं अभी सामने उस पत्थर के पास, पत्थर मतलब पहाड़ के पास। देखिए ये गाइस यहाँ खड़े हैं, खलनायक की जो शूटिंग चली है ना वो यहाँ पे वीडियो बनाने आए हैं। ये तो बहुत मुश्किल होगा नए लोगों के लिए यहाँ पर आकर वीडियो बनाने के लिए। देखिए ये जो सीन्स है ना, ये रामनगर से एक 3-4 किलोमीटर दूर ये रोड है और ये फैक्ट्री है। देखिए ये जो सीन्स है लाइक फिल्म के, लाइक फिल्म की शूटिंग चली है ना वो इसी पहाड़ी पे चली है। ये हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ पे बहुत मेहनत होगी वीडियो के लिए। देखिए एक बार आके चढ़ के देखना, देखिए यहाँ पे आपको पहाड़ी दिख रहे हैं ना, वो सब शोले फिल्म खलनायक फिल्म ये सब शूट हुआ था इधर। देखिए ये पूरा रामनगरम है, रामनगरम बोले तो शोले फिल्म शूटिंग है ना, देखो इसी जगह। जो आपको सामने से जो खलनायक में गाना होगा ना वो यही रोड है, यही रोड से आपको पीछे वाले की साइड ये पहाड़ दिखेगा। देखिए सेम पहाड़, देखिए ये रोड है और जूम करके ये पहाड़ पकड़ा है, यहीं पे पूरा सेट लगा हुआ था, ये रोड पे ही पूरा सेट लगा हुआ था।
गाइस, मैं चढ़ते चढ़ते एक जगह से थक गया, तो आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ मेहनत तो लगेगी। तो गाइस, ये जो आप रोड देख रहे हो, ये कनकपुरा का रोड है, जिस जगह शूटिंग के लिए सेट लगाया था, वो जो माधुरी और संजय दत्त जाते हैं बड़ा गाड़ी में, वो इसी जगह से जाते हैं। और भाई कैमरा इधर खड़ा हो, आप उसको दिखाओ, क्योंकि यकीन तो किसी को नहीं होगा शूटिंग के लिए। तो भाई आप देख रहे हैं वो जो पहाड़ है, अब आप गाने को भी चेक कर लेना एक बार, गाने को भी चेक कर लेना, और मैं स्क्रीनशॉट इधर राइट साइड में लगा दूंगा। तो गाइस देखिए, यही वो जो पहाड़ है जिसमें वो आप स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना गाइस। तो उधर हम जा नहीं सकते, उधर पे जाने के लिए परमिशन नहीं है। हेलो गाइस, मेरा नाम है फारूक पाशा। यहाँ पे खलनायक की जो शूटिंग चली है, यहाँ पे जो सीन है, और यहाँ पे माधुरी ने बहुत तरीके से किरदार निभाया है। यही कनकपुर रोड है, और यहीं पे आपको स्ट्रेट दिसेगा, यहाँ पे जो शोले फिल्म की शूटिंग चली है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वही पहाड़ है, शोले फिल्म की शूटिंग चली है, यहाँ पे पूरा घर हो गया है, और देखिए इधर टैंकी है। यहाँ पे अच्छे तरीके से जो शोले फिल्म की शूटिंग चली है, और यही शोले फिल्म की शूटिंग के बाद यहाँ पे जो संजू बाबा ने यहाँ पे किरदार निभाया है, और यही पहाड़ है वो। और देखिए गाइस, यहाँ पे दूर दूर से जो घर है, और यह बहुत पहाड़ है, यहाँ पे रामगढ़ से कुछ 10 किलोमीटर दूर लगेगा। यहाँ पे जो शूट है, जो सिटी दिख रही है वही रामगढ़, मतलब पहले जो रामगढ़ था अभी रामनगरम हो गया है, ये पूरी चली गई है। देखिए यहाँ के आके बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत लगी है, तो इसी बात के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देखिए ये पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे खलनायक की जो शूट चला है, और यहाँ पे कुछ दूरी के लिए आपको एक मैदान मिलेगा, वहाँ पे जो संजू बाबा ने रूम में रहते हैं, जो लड़की को किडनैप किया है ना खलनायक में, वह रूम यहाँ पे कुछ आगे है, यहाँ पे स्ट्रेट है, और यहीं से उन्होंने यहाँ पे आके जो पालकी में जाते हैं ना संजू बाबा ने गाने में यहाँ पे गाना गा के, यहाँ पे जो गाने के पीछे आपको ये सेट पूरा मिलेगा, इधर से गाड़ी आती है वो जो गाने के पीछे, इधर सेट पूरा आपको मिलेगा। इधर से गाड़ी आती है भाई, इधर दिखाओ, और इधर से जो गाड़ी आके चारों लोग गाड़ी लेके आते हैं संजू बाबा के जो साथ में रहते हैं, इधर से गाड़ी लेके चढ़ते हैं नीचे भाई। हाँ इधर से, यहाँ पे तो हम बहुत मेहनत किए यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। देखिए ऐसे भी अभी खेती है यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे जो रोड है, यहाँ पे जो शूट किया है फर्स्ट सीन ने, सेकेंड सीन यहाँ से लेकर यहाँ से शूट किया है। देखिए गाइस, इधर से जाते हैं वो घोड़ा गाड़ी लेके, इधर से आपको उतना साफ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इधर पे घर भी हो चुका है, और इधर बहुत झाड़ियाँ उठ गई हैं, तो इधर खेती आज भी खेती चल रही है। देखो भाई आज भी खेती चल रही है, तो देखो इस रोड पे खड़ के पकड़ा जाता है ये, क्योंकि मैं रोड के इधर हूँ, उधर बहुत झाड़ियाँ होने की वजह से मैं उधर जा नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं, ये इधर से मैं ये स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप देख लेना उधर, ये सही है, देख लेना गाइस।